देख, दिल लगा के पढ़ना और जिस काम के लिए जा रही ना, दिल लगा के वो काम करना। अम्मा तुम परेशान मत हो, सिर्फ 2 ही साल की तो बात है। अरे कैसे परेशान ना हो, पर जितना पढ़ना था पढ़ लिया, काफी है। अब तो वहाँ इतने दूर जाके बैठ जाएगी, यहाँ मेरे पास कौन है। अम्मा इंटर की भी भला कोई पढ़ाई होती है। अम्मा वहाँ कराची में बड़े बड़े कॉलेज है, देखना वक्त यूँ गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा चल, देर हो रही है, तेरी गाड़ी का टाइम हो गया। देख वहाँ जाके जकिया को और रहमत को तुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अम्मा तुम फिक्र मत करो, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, तुम बेफिक्र जा। मेरी बच्ची तेरा नानी के पास। क्या ओ जकिया, आजा भाई आजा, अंदर आजा। ले भाई आ गई तेरी बांजी। ठीक है, और आपा वगैरह सब ठीक है? सब ठीक ठाक है, आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा भाई मैंने खाना बना लिया है, अभी आ गई है, हाथ मुंह धो ले फिर साथ ही खाना खाते हैं। मैं क्या करूं, जरा एक गिलास पानी तो पिला। तेरी खाला कहाँ है? वो ऊपर कपड़े सुखा रही। तेरी खाला का तो जरा सा भी ख्याल नहीं है मेरा, अब तू आ गई है तो कुछ सहारा हो जाएगा, बैठ ना। सारा दिन मगजमारी कर कर के भेजा पक जाता है, थोड़ा सर तो दबा में। जी फरा, ओ फरा। जी खाला। अरे जरा नीचे से कपड़े तो पकड़ा मुझे जल्दी से, देर हो रही है। जी खाला दे दी। खाला वो मैं सोच रही थी कि मैं कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन ले लूं। है दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा, हमारा इतना बड़ा घर होते हुए तुम हॉस्टल में जाके रहने का सोच रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको मेरी वजह से परेशानी है। अरे तुम्हारे यहाँ रहने से हमें क्या परेशानी, और देखो आइंदा ऐसा नहीं सोचना। तेरी खाला का है? जी वो बराबर में गए पड़ोसी के कुछ देर के। अच्छा तो तू अकेली क्या कर रही है? मैं पढ़ रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं खाला कुछ कह क्यों बता रही हूँ, देखिए मैं बोल रही हूँ। मुझे माफ कर दे ज़किया, मुझसे गलती हो गई, मैं बैग गया था, शैतान सवार हो गया था मेरे ऊपर। ओ फरहत तू ही मुझे माफ कर दे। नहीं
ना हम तुझे माफ करेंगे, तुझे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, फिर मैं अपना फैसला खुद ही कर लेता हूँ। मैंने सोच लिया था तुम दोनों अगर मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगा। एक मैं अपनी जान ले लूंगा, इसको बोल मुझे माफ करे। मैंने इसे माफ कर दिया लेकिन अल्लाह से कभी माफ नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ और एक काम कर, तू ना अपने घर लौट जा और देख बाजी को कुछ मत बताना। मेरे घर की इज्जत रखना, मेरे घर की इज्जत रखना। मेरा ख्याल पेट्रोल खत्म हो गया, उतर जरा देखता हूँ। अपने आज तक क्या समझती है, मुझे पता है कि आज मुझे कल बताएगी जरूर। मेरी बीवी के सामने भी मुझे जलील कराया तूने, इतनी तमाम तरजीता। आप अपनी माँ के पास जाके ऊपर ही बताइए। हेलो, वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमत भाई, कैसे हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सही असला। वो मैंने फरा को गाड़ी पे बिठा दिया, शाम को सवेरे इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। बड़ी मेहरबानी भाई तुम्हारी, और हाँ माफ करना अगर उससे कोई शिकायत हो गई हो, बच्ची है ना। और नहीं बाजी, मेहरबानी काहे की, बस ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नहीं कोई नहीं, अल्लाह हाफिज। देखिए आमिर, लड़की पड़ी हुई है, करीब भी हुई नहीं है, आइए देखते हैं। अरे यार ये तो जिंदा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे पागल हो गया है क्या, सब कुछ हमारे गले पड़ जाएगा। यार हमारा हक बनता है, इसकी मदद कर, एम्बुलेंस को फोन कर। देख ले तू, कर ले। नहीं तू कर फोन कर। हेलो पुलिस, बेटा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बयान हमने ले लिया, आपकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। प्लीज मुझे मेरी अम्मी के पास छोड़ दे, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप बेफिक्र हैं, आपको घर पहुंचा दिया जाएगा।